सो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने वाला हूँ M1 चिप और i5 का जो जनरेशन है लैपटॉप का, उन दोनों के बीच के बारे में बताना हूँ। जी हाँ दोस्तों, दोनों मैक की ही बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग जब जाते हैं ना खरीदने तो उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा लूँ, मैं i5 लूँ या i7 लूँ या हम M1 चिप लें, दोनों में से कौन सा लें। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और देखते रहिए, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। इस वीडियो के कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे छोटे छोटे, आप देख सकते हैं मैंने डिवाइड कर रखे हैं हर एक टॉपिक का, सब टॉपिक बना बना के। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में। सो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो कंपेरिजन वीडियो है ये, उसमें मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो रैम है इसका M1 चिप का, वो 8 GB रैम है, क्योंकि अलग अलग वेरियंट में भी आप वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन 8 GB की बात करते हैं तो 8 GB रैम है। इसमें DDR4 आपको देखने को मिलेगा, और वही आप अगर i5 इंटेल का जो एप्पल की बात कर दें तो इसमें आपको मिलेगा DDR3। तो मैं इसमें बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि DDR4 अच्छा है कि DDR3 अच्छा है। तो डेफिनेटली DDR4 ही अच्छा है। फिर मैं आगे बात करता हूँ SSD का, तो दोनों का SSD सही है, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ, तो नेक्स्ट जो है इसका स्क्रीन की बात आती है, तो मैं आपको इतना बताता हूँ, i5 का जो स्क्रीन है ना, जो i5 का स्क्रीन है वो भी रेटिना ही है, लेकिन क्या बात है ना, वो मैं आपको गुड स्क्रीन कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर M1 चिप की बात करूँ तो वो बहुत अच्छी स्क्रीन है, उसके अंदर काफ़ी सारे न्यू टेक्नोलॉजी है, बेजल्स बहुत अच्छे हैं, ब्राइटनेस का जो आता है उसमें अप टू 500 तक जाता है इसका ब्राइटनेस लेवल। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें जो बेहतर है, इसका स्पीकर बहुत अच्छा है M1 चिप का, और इसका माइक्रोफोन भी बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा M1 चिप के बारे में, बस बता देता हूं इतना, क्योंकि फिर जितना डिटेल जाएंगे वीडियो उतनी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं इसको छोटी छोटी फॉर्म में बता रहा हूं। और जैसे कि स्पीकर में जीत गया M1 चिप, और माइक्रोफोन में भी M1 चिप जीत गया, स्क्रीन में भी N1 चिप ही जीत गया, और दोनों का कीबोर्ड सेम है, इसकी कीबोर्ड की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और इसका जो माउस पैड है वो भी बेहतर है M1 चिप का, क्योंकि M1 चिप में नया नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है और उसको बनाया गया है, एकदम सेंसिटिव स्क्रीन है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग 2020 का जो एक स्कोर होता है मैक का, तो हम दोनों का परफॉर्मेंस बता देता हूँ, किसका ज़्यादा बेहतर, मतलब किसका ज़्यादा अच्छा स्कोर आया हुआ था 2020 में जो अभी टेस्ट हुआ था। तो M1 चिप का स्कोर था 7700 समथिंग था, और वहीं पर मैकबुक का जो i5 वाला जो था उसका आपका 3800 था। तो देखिए, दो गुना ज़्यादा स्पीड था किसका, M1 चिप का, और स्पीड में देखा जाए, परफॉर्मेंस में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और हम अगर इसका OS की बात करें तो OS जो है इसका, OS दोनों का सिमिलर नहीं है, अलग अलग OS है। जो M1 चिप की जो CPU मिलेगी वो आपको 8 कोर की मिलेगी, वहीं पर आपको इसका जो CPU मिलेगा i5 का वो आपको 4 कोर का मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, ये 2.5 गुना ज़्यादा बेहतर है। और मैं इसका अगर ग्राफिक्स की बात कर लूँ तो ग्राफिक्स एप्पल वालों ने खुद प्रॉमिस किया है कि 5 गुना ज़्यादा हमें आई सीरीज से ज़्यादा देखने को तेज़ मिलेगा। तो M1 चिप के बारे में जितनी बोलता है उतना कम है। एक खासियत इसमें ये है ना एप्पल वाले M1 चिप की, कि इसमें हमें क्या न्यू देखने को मिलता है, न्यू देखने का हमें ये मिलता है कि इसमें हम लोग आराम से आईफोन या iMac या फिर क्या बोलते हैं हम लोग एप्पल का जो पैड आता है iPad, तो हम उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसका ऐप हम लोग आराम से। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको लैपटॉप लेना है, तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जैसे कि अगर आप एक कोडर हो या आप एक एडिटर हो या फाइनल कट यूज़ करने वाले हो या फिर डिज़ाइनिंग करते हो, तो आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए M1 चिप, क्योंकि इसमें जो नया टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इसमें थोड़ी सी बग्स है जो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। हमने बहुत ज़्यादा बात कर लिया M1 चिप की अच्छाई की, और हम लोग यहाँ अब देखते हैं कि M1 की क्या फ्यूचर होने वाली है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पर, कि M1 जो बारे में मैंने इतना बताया आपको, वो सब एकदम मैंने पूरा रिसर्च करने के पूरा बाद ही बता रहा हूँ, और M1 काफ़ी बार आगे बढ़ा है इससे i5 से, इसलिए मैंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल देखे। रिसेंटली क्या किया इन्होंने, अपने iPad के अंदर M1 चिप को इनबिल्ट कर दिया है। क्यों इनबिल्ट किया है, इसमें बहुत बड़ा रीज़न ये है, क्योंकि ये लोग अपने M1 पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें कुछ गलतियां हैं, अगर ऐसी कुछ गलतियां होती तो Apple कभी इसको यूज़ नहीं करता इसमें iPad में, या इसने अपने iMac में भी यूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने iMac में भी यूज़ किया है। अभी आप जाके देखिए और पढ़िए इसके बारे में, आपको ब्लॉग्स आराम से दिख जाएंगे इसके ऊपर, कि M1 चिप काफ़ी जगह यूज़ की जा रही है, और मुझे लगता है टाइम के साथ इन्होंने आईफोन में भी यूज़ करना है इसे। तो M1 के बारे में कोई बुराई नहीं,
किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और यहाँ बताता हूँ, जो बग्स का जो इशू आ रहा है आप लोगों को काफ़ी, मतलब बहुत यूज़र्स ने कंप्लेन भी किया इस चीज़ को लेके। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये नया प्रोसेसर है तो धीरे धीरे इसमें ना कमियाँ हैं, वो धीरे धीरे डेवलपर इसको दूर कर रहे हैं डे बाई डे। इसका ना मतलब डेवलपिंग हो रहा है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं इसके अंदर कि इसे जल्दी डेवलप किया जाए, क्योंकि काफ़ी नया प्रोसेसर है तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आनी ही है। जैसे क्या होता है कभी कभी टच पैड काम करना बंद कर गया, कभी कभी 2-3 सेकंड का लैग आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, बट ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये सब बस एक सॉफ्टवेयर इशू है, नहीं तो हार्डवेयर में कोई इशू नहीं होने वाला है। आपको एकदम मैकबुक चलने वाला है। और अगर मैं अभी बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस की तो बहुत धांसू होने वाली। मैं अब बात कर लेता हूँ कि क्या रीज़न्स है जिसको हमको M1 चिप लेना चाहिए, M1 चिप के मैकबुक लेने चाहिए। पहला जो रीज़न ये है कि अब ये नया लॉन्च हुआ है और देखा जाए तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको किस चीज़ का, आपको मिल रहा है आराम से आप एप्पल का कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो, फ़ोन वाला भी आईपैड वाला भी, और अपने तो यूज़ कर ही रहे और इंटेल का भी यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत नई चीज़ देखने को मिली है। तो एक ये रीज़न हो सकता है इसको लेने का। और मैं दूसरा रीज़न बता देता हूँ आपको, दूसरा रीज़न ये है कि अभी इसमें क्या चीज़ आया ना, अभी लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि इसमें काफ़ी फास्ट चलने वाला है। लोग क्या, जैसे कि एप्पल ने खुद प्रॉमिस किया है इसको कि 5 गुना ज़्यादा ग्राफिक तेज़ है और इसका 2.5 प्रोसेसर हाई है पिछले वाले मैक से। और आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको ये लैपटॉप लेना है तो इसमें एक और चीज़ अच्छी बात ये है इसको बाय करने का, क्योंकि इसके अंदर ना एप्पल इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे आपको हर चीज़ एप्पल का ही मिलेगा ना, तो क्या होगा प्रोसेसर GPU ग्राफिक्स सब एप्पल का है ना, तो ये इकोसिस्टम इतना अच्छा बनता है कि ये आपको लैग देखने को तो कभी मिलेगा ही नहीं अगर ये अच्छे से फिक्स हो जाए एक बार। ये भी कुछ दिनों के अंदर फिक्स हो जाएगा, पूरा 1-2 महीने लगे ज़्यादा ज़्यादा। और अगर आप ये लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए, अगर आप एक इंजीनियर हैं या फिर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर आप कुछ भी हैं, ये लैपटॉप आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अंदर एक फ़ैन भी, 1 या 2 फ़ैन आराम को देखने को मिलेगा दोनों में। फ़ैन की बात है तो आप आराम से गूगल ही पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्योंकि मैं उसे सुधारूंगा अपने आप को।